हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉच एंड लर्न। दोस्तों, हम सभी के स्मार्टफोन में एक बहुत ही ज़रूरी एप्लीकेशन जो कि सबके पास होता है व्हाट्सएप, और हम लोग इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि एक गलती जो हम सभी के साथ में, मुझसे तो कई बार हुई है, होती रहती है कि हम जब भी अपने फ्रेंड्स को या किसी ग्रुप में कोई गलती से कोई मैसेज चला जाता है, कोई इमेज चला जाता है, या कभी हम गुस्से से मैसेज लिख के सेंड कर देते हैं या कोई मैसेज सेंड कर देते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है, हम उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप ने एक इस बार अपना एक नया अपडेट दिया है जिसके ज़रिए हम अपनी उस गलती को सुधार सकते हैं। तो इस आइए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में जो घंटी बनी हुई है उसको ज़रूर टच करिएगा, जिससे कि जब हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, व्हाट्सएप ने इस बार एक बहुत ही अच्छा अपडेट दिया है अपने लेटेस्ट में, जो कि बहुत ही ज़रूरी नेसेसरी अपडेट था यूजर्स के लिए। तो इसमें यह था कि जैसे ही हम अपने फ्रेंड्स को कोई मैसेज सेंड करते थे तो और वो पहुंच जाता था उस तक, बाद में पछतावा होता था कि अरे हमने तो गलती से सेंड कर दिया। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही हमने कोई मैसेज सेंड कर दिया, देखिए ये सेंड हो गया और इस मैसेज को हम कुछ देर तक टच करते हैं और ये देखिए ये सिलेक्ट हो जाता है, फिर ऊपर देखिए डिलीट का एक आइकन आ जाता है जिससे कि हम डिलीट कर देते हैं। अब जैसे ही मैं इस डिलीट आइकन को टच करूँगा, देखिए यहाँ पर एक पॉपअप स्क्रीन आ गई जहाँ पर डिलीट मैसेज लिखा हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है डिलीट फॉर मी और कैंसिल, और देखिए नीचे दिया हुआ है डिलीट फॉर एवरीवन। और जैसे ही डिलीट फॉर एवरीवन हम टच करेंगे, देखिए वो मैसेज अभी जो था वो डिलीट हो गया। ये एक यहाँ पे एक मैसेज आ गया कि यू डिलीटेड दिस मैसेज। अब ये मैसेज जो मेरे फ्रेंड्स तक पहुँच गया था, अभी मैंने उसको भेजा है, ये उसके मोबाइल से भी डिलीट हो जाता है। और जैसे ही मान लीजिए कि और जैसे ही उसके मोबाइल पर डिलीट हो जाएगा तो देखिए इस तरीके से उसके पास इस तरीके से पहुंचेगा कि दिस मैसेज वॉज डिलीटेड। वहां से ये उसके पास इस तरीके से ये नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी अपडेट था व्हाट्सएप का, जिस जो ज़्यादातर यूज़र्स के लिए गलती अक्सर हो जाती है और उसको हम सुधार सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी अपडेट अब तक का मुझे लगता है कि मतलब ज़्यादातर यूज़र्स के लिए बहुत ही ज़रूरी अपडेट था। और इसका जो इस समय जो लेटेस्ट वर्जन इन्होंने दिया है वो मैं आपको बता दूँ, ये 2.17.403 ये समय का लेटेस्ट वर्जन है और इस वर्जन के ज़रिए इन्होंने ये अपडेट दिया है। लेकिन दोस्तों, इन सभी के बीच में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो अब मैसेज तो हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप मैसेज सेंड करेंगे या हम मैसेज सेंड करते हैं तो उस मैसेज के सेंड होने के 7 मिनट के अंदर ही अंदर ये मैसेज हम डिलीट कर पाएंगे। कोई भी मैसेज हो 7 मिनट के अंदर ही हम डिलीट कर पाएंगे। अगर 7 मिनट से ऊपर जैसे अगर मैसेज हो जाते हैं तब फिर हम उन्हें नहीं डिलीट कर पाएंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि देखिए ये ऊपर का जो ये मैसेज दिया हुआ है, ये ये जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट पर जाता हूँ तो देखिए ये केवल सिंगल एक ऑप्शन दे देता है कि डिलीट फॉर मी, मतलब जो डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन था वो अब नहीं है, क्योंकि 7 मिनट से ऊपर हो गए ये मैसेज। कोई मैसेज अगर हम सेंड करते हैं तो उसको 7 मिनट के अंदर ही अंदर हम उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये एक फीचर इन्होंने जो कि नया अपडेट दिया है और बहुत ही कारगर मेरे ख्याल से होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि जो भी आपकी राय हो इस वीडियो के बारे में या इस अपडेट के बारे में व्हाट्सएप के, और वीडियो को हमारे शेयर करिएगा ताकि कई लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।